अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम फ़ायज़ा की रसोई में खस्ता टिकिया बनाएंगे। तो खस्ता टिकिया बनाने के लिए सामान हम दिखा रहे हैं, ये देखिए आधा किलो ये मैदा है ये हमने ले लिया है, और ये देखिए ये दो, ये वाली दो कप शक्कर है, इसमें दो कप शक्कर हमने ले लिया है। तो ये देखिए ये शक्कर हम जार में डाल के इसको चला देंगे। वैसे भी डाल सकते हैं खड़ी शक्कर भी, लेकिन जार में डालने से थोड़ा बारीक हो जाएगी तो उसमें दिखेगी नहीं बनाने के बाद। अब ये देखिए मैदे को हम छान लेंगे, ये इसको हम छान लेंगे इसे छान, ताकि इसमें कुछ कूड़ा कचरा हो तो निकल जाए अच्छे से। ये देखिए ऐसे ही हम मैदा पूरा छान लेंगे। तो ये देखिए छन गया है मेरा मैदा, कितना अच्छा हो गया छन के। अब इसमें जो बारीक घुन या कोई कूड़ा कचरा कुछ भी होगा तो सब निकल जाएगा। ये देखिए इसमें थोड़ा सा इसमें निकला है, और इसे साफ़ मैदा है बिल्कुल, लेकिन बारिश के टाइम ज़रूर छान के बनाएं, बिना छाने मत बनाएं। तो ये देखिए हम एक बर्तन में रख दिया मैदे को। तो ये देखिए जार से हमने शक्कर को बारीक कर लिया है, ये देखिए एकदम बारीक हो गई है। ये देखिए अब ये बारीक करने से खस्ता टिकिया में हम डाल देंगे तो उसमें पता नहीं चलेगी, और इसे खड़ी खड़ी शक्कर डालने से ना तलने के बाद उसमें दिखती है शक्कर, तो अच्छी नहीं लगती है खस्ता। और इसमें हम डाल देंगे और इसमें आप सूजी भी डाल सकते हैं, सूजी डालने से ना कड़क हो जाती तो और अच्छी लगती है, लेकिन हम सूजी नहीं डालेंगे, हम खाली मैदे से बनाएंगे। और आप नारियल भी घस के डाल सकती हैं, और काजू बादाम भी घस के डाल सकते हैं, कुछ भी डाल दें मेवे में तो और अच्छी हो जाएगी और शादी भी बन जाएगी। तो सब हमने डाल दिया इसमें। अब ये देखिए जमा हुआ घी है, ये दो चम्मच हम इसमें घी डालेंगे। अब इसको जो है इसमें हम मिक्स कर देंगे। आप इसको दूध से भी सान सकती हैं, पानी से नहीं, दूध से भी सान सकते हैं, लेकिन दूध से सानने से अच्छी तो खस्ता बहुत हो जाती है, लेकिन तलने में थोड़ा दिक्कत होती है, ज़्यादा खस्ता हो जाती है ना तो टूट जाती है तलने में। इसको हम ज़्यादा गीला नहीं गूंदेंगे, आटे को टाइट गूंदेंगे, टाइट गूंदने से अच्छे पीस बनेंगे। अब अगर हम थोड़ा सा गीला कर देंगे तो पीस भी नहीं बन पाएंगे सही। हमारे घर में सबको ऐसे ही सादी बहुत पसंद है, तो इसलिए हम बनाए हैं, सादी बनाते हैं।
तो ये देखिए मैदा मेरा गूंद चुका है अच्छे से। ये देखिए एकदम टाइट गूंदा है, अच्छे से गूंद चुका है। अब इसको हम बेलेंगे। खुश्की बिल्कुल कम लगाएं, हो सके तो बिल्कुल लगाइए नहीं, और अगर थोड़ा सा अगर गीला आपको दिख रहा है तो हल्के से खुश्की लगाएं, वो भी मैदे की, क्योंकि खुश्की लग जाती है ना तलने में सब। ये खुश्की जब तेल में बटर के बहुत सारी हो जाती तो अच्छी ठीक है, अच्छी नहीं लगती। ये देखिए इसी तरह से हम सब बनाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आसानी से सब बन जाती है। ये देखिए देखिए इतने पीस हमने बनाया है, इतने पीस बना लिया है। इसको हम तल लेंगे जाके। ये देखिए हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया है, खस्ता टिकिया तलने के लिए। तो ये हमने तेल डाल दिया है कढ़ाई में खस्ता टिकिया तलने के लिए। अब ये तेल हो रहा है हमारा, होने वाला है तेल। तो ये देखिए तेल हमारा कढ़ाई में हो चुका है। अब हम ये खस्ता टिक्के इसमें डाल देंगे। ये देखिए तेल अच्छे से खूब हो गया है, अभी हम टिक्कियाँ सारी इसमें डाल देंगे। देखिए अच्छे से पक रही है अंदर को, तेल हो चुका अच्छे से पक रही है ये। अब हम पलट देंगे। ये देखिए आंच को धीरी कर देनी है, इसलिए कि तेल पहले से हो चुका है, खस्ता टिकिया जल जाएंगी, स्लो आंच में तलनी है। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हो गई है खस्ता टिक्किया। अब ये हम निकाल लेंगे, अच्छे से हो चुकी हैं। ये देखिए कितने अच्छे से हो गई हैं। ये देखिए देखिए कितनी अच्छी तरह से हो गई हैं, कैसे फूल गई हैं, बिल्कुल नान खटाई लगने लगी हैं।
ये देखिए, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है आप लोग को तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।